गाइज वेलकम बैक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि एयरटेल की कॉल डिटेल कैसे निकाला है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि ट्राई कर रहे तो 121 पर मैसेज भेज रहे तो ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि ये एयरटेल की कॉल डिटेल है सिर्फ 6 महीने तक निकलती है, और आप 6 महीने से ज़्यादा का मंथ डालते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए अनलिमिटेड वाला, और फिर आपको मैसेज करना है। और आप बोल रहे हो दूसरे कॉल डिटेल कैसे निकाला, तो दूसरे की कॉल डिटेल निकालना कानून अपराध है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उसी के मोबाइल से आपको मैसेज करना होगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कुछ भी नहीं करें, समझ जिम्मेदारी आपकी रहे। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपकी कॉल डिटेल निकलती है तो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो गाइस सबसे पहले आपको मोबाइल में रिचार्ज अनलिमिटेड वाला होना चाहिए। आपको मैसेज बार ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर 1-to-1 पर आपको भेजना है, तो 1-to-1 टाइप करेंगे और नीचे यहाँ पर आपको टाइप करना है EPR ई बिल स्पेस मंथ का नाम, जिस भी महीने का आप निकालना चाहते हैं उसके 3 वर्ड, और उसके बाद स्पेस देके फिर आपका जो भी मेल आईडी, जिस भी मेल आईडी पर आपको कॉल डिटेल चाहिए वो यहाँ पर आपको डाल देना है और मैसेज सेंड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मेल आईडी ओपन कर देना है। कुछ मिनट बाद आ जाता है यहाँ पर, 1 मिनट बाद, तो यहाँ पर देख लीजिए एयरटेल का मेरे पास मेल आ चुका है और यहाँ पर ई बिल के नाम से आएगा। यहाँ पर हम PDF भी हमारे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो शो हो जाएगी, और ये PDF है जो पासवर्ड प्रोटेक्ट रहती है। तो यहाँ पर जो पासवर्ड रहेगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ का ईयर रहेगा, और जो इसका मोबाइल का लास्ट 4 नंबर रहेगा। तो आई होप ये छोटी जानकारी आपको पसंद आई। पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।